अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मोदी सरकार ने फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद सौदे में देशहित को पूरी तरह से दांव पर लगा दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक तरफ यह सौदा पिछली तय शर्तों से कहीं ज्यादा मूल्य पर किया है, वहीं दूसरी ओर इन जहाजों की देखरेख का ठेका दशकों का अनुभव रखने वाली सरकारी क्षेत्र की कंपनी को दरकिनार कर महज 12 दिन पुरानी कंपनी को दे दिया है। इस पूरे मामले में सिर्फ एक उद्योगपति मित्र के लाभ पहुंचाने की काम किया गया है। उन्होंने कहा, मेक इन इंडिया की दुहाई देने वाली मोदी सरकार ने यह ठेका देश में हवाई जहाज बनाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को न देकर अंबानी की गैर अनुभवी कंपनी को देना सही समझा, जो सरकार द्वारा सीधे तौर पर किए गए पक्षपात को सिद्ध करने के लिए काफी है। कांग्रेस नेता ने कहा, केवल इतना ही नहीं, संपर्क सरकार ने इन विमानों के लिए जो कीमत फ्रांस सरकार से तय की थी उनसे 3 गुना ज्यादा कीमत पर यह डील कर देश की जनता को धोखा दिया है, उसके विश्वास को तोड़ा है। इस सरकार ने इन जहाजों की मरम्मत आदि कार्यों का जिम्मा अंबानी को देकर उन्हें लाभ पहुंचाने का काम किया है। चतुर्वेदी ने कहा, आगामी लोकसभा चुनावों में जनता मोदी को इसका जवाब जरूर देगी। 2019 के चुनावों में कांग्रेस मोदी सरकार के भ्रष्टाचार, कमजोर आर्थिक नीति, बढ़ती बेरोजगारी और निरंतर घटते आय के साधन, जनता से जुड़े मूल मुद्दों को भरमाने के प्रयास जैसे विषयों को पूरी शिद्दत से उठाएगी।